के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की कुमार मित्र की बुक है और अध्याय आपके पास है पाँचवा, पाँच नंबर है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। उसमें से आप लोगों के पास जो टॉपिक चल रहा है आपके पास हैशटैग आपके पास फिफ्थ नंबर पार्ट है आपके पास जो है, ठीक है। और आपके पास जो टॉपिक है सदिशों का अंतर, आपको पास दो सदिश का अंतर कैसे निकालते हैं वो आपको बताना बताया जाएगा। लिखा हुआ है माना कि ए व बी कोई दो सदिश जिसमें से मोडा वेक्टर ए मोडा वेक्टर बी ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंस हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी जी हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर आर जी यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आप लोगों को वीडियो देखना है, उसके बाद आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर के ऑप्शन पे बाद में जाना है। तो अब इसके आगे जो टॉपिक है आपके पास आने वाला है, टॉपिक जो है ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको टॉपिक बताते हैं जो आपके पास नया टॉपिक आपको आज बताया जाएगा। टॉपिक है किसी सदिश का वियोजन। आपके पास जो सदिश है ये आपके पास नया टॉपिक जो है वो आपके पास पढ़ना है आपको, क्या है आपके पास किसी सदिश का जो है वियोजन आपको पढ़ना है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है क्या है जो किसी सदिश का वियोजन है उसमें, देखिए आपके पास जो टॉपिक है किसी सदिश का वियोजन, मतलब क्या डिफरेंस हमारे पास उसका एक्सेस कंपोनेंट कैसे हम तोड़ेंगे। उसमें तो लिखा हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमें वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है माना कि कोई सदिश वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर है जिसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, जिसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, क्या किया जाता है दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, ये आपको बताना था। अब देखिए इसमें दो घटक कौन होते हैं, एक होता है हमारे पास क्षैतिज घटक और जो दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक में होता है हमारे पास ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक में होता है ए वाई बराबर ए साइन थीटा। जी आपके पास दो कंपोनेंट ओपन होते हैं, इनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो यही आपको बताया जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब दो हमने बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंपोनेंट हमारे पास दो ही होते हैं, उन्हीं में आपको पढ़ना है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा ए वाई बराबर ए साइन थीटा होता है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आपके पास दूसरा टॉपिक है वो आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट कर लिया होगा। अब देखिए वियोजन क्या होता है, आप किसी सदिश में वियोजन समतल में वियोजन आपको बताते हैं आगे। जो आपके पास नया दूसरा टॉपिक है आपके पास किसी समतल में सदिश का वियोजन होता है, किसी समतल में सदिश का वियोजन, ये आपके पास टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए आपके पास कंपोनेंट हम आपको बनाते हैं ऐसे करके, ये हमारे पास है वाई एक्सिस जो होता है हमारे पास यक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे इसको कंपोनेंट तोड़ लिए हैं, यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास ये होता है आर वेक्टर, इसको मान लेते हैं जी, हमारे पास होता है ए एक्स, जो होता है हमारे पास ए वाई और ये होता है हमारे पास पी पॉइंट। जी हमने आर पी क्यू
आर, और जी हमने मान लिया थीटा एंगल जो होता है, जी हमने मान लिया पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस पॉइंट मान लिया हमारे पास एक, जी हमारे पास चतुर्भुज बन गया, ठीक है, वर्ग बन गया। ठीक, अब इसके आगे यदि हम किसी सदिश को यहाँ लिखेंगे, यदि हम किसी सदिश को, या यदि हम किसी सदिश को दो ऐसे सदिशों में वियोजित करें, ऐसे सदिशों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, जो परस्पर लंबवत हों, तब इन सदिशों को दिए गए सदिश के आयताकार घटक कहते हैं, दिए गए सदिश को आयताकार घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम आयताकार घटक कहते हैं। मतलब क्या है? यदि हम किसी सदिश को तो ऐसे सदिशों को वियोजित करें जो परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, देखो जी हमारे पास आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तब इन सदिशों में दिए गए सदिश को आयताकार घटक, हमने देखो जी आयताकार घटक में हमने कंपोनेंट में बना लिया, इसको तोड़ लिया। आप इसके आगे तो आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं क्या करना है जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके होंगे, अब लिखेंगे, माना कि x और y अक्ष के अनुदेश, माना कि x और y अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश क्रमशः आई कैफ तथा जे कैफ हैं, तब वेक्टर ए अक्ष आई कैफ हो जाएगा तथा ए वाई वेक्टर के कैप तो दिया जाएगा ए वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक, अब टोटल हमारे पास अगर हम जोड़ लेंगे वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये बन जाएगा हमारे पास एकांक सदिश का वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके आगे आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, हम साइड से हट जाते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा क्विक फास्ट। अब देखिए यहाँ पे यह सदिश वेक्टर ए की, मान लिया यह सदिश, यदि सदिश वेक्टर ए की इसके आयताकार वेक्टर ए की इसके आयताकार घटकों के पदों में समीकरण
घटकों की पदों में समीकरण क्या होगा, वो हमें पास होता है वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप जो रहता है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये रहेगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। हमने अगर इसका निकाला प्लस अगर आगे जेड का भी निकालेंगे तो ये रहेगा हमारे पास ई जेड स्क्वायर भी बन सकता है ऐसे, ठीक। अब इसी का हम टेन थीटा निकाल लेंगे, थीटा आर क्या हो जाएगा हमारे पास ई वाई बटी ई एक्स रीजन पर आएगा थीटा आर हो जाएगा टेन इनवर्स ई वाई बटी ई एक्स, जी हो गया आपके पास आंसर। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देते हैं क्या है, त्रिविमीय आकाश में सदिश वियोजन, ये आपको पढ़ना है, ये आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आगे इसके आज के लिए इतना ही, शॉर्ट ही है लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो कल फिर मिलेंगे, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।